सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A8s के बारे में। तो अभी तक सैमसंग गैलेक्सी A8s के बस रेंडर से निकल के सामने आ रही थी, लेकिन अब सैमसंग गैलेक्सी A8s का कुछ रियल लाइफ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी निकल के सामने आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब सच में सैमसंग गैलेक्सी A8s में आपको कोने में एक फ्रंट कैमरा देने वाला है। अभी तक तो बस इतना पता चल रहा था कि भाई सैमसंग ये काम कर रहा है, सैमसंग के A8s में आपको ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन वो सारी चीज़ आपको सिर्फ रेंडर्स में ही दिखाया जा रहा था। लेकिन अब कुछ रियल लाइफ आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी निकल के सामने आ गया है। इससे ये जाहिर होता है कि हाँ, सैमसंग सच में सैमसंग गैलेक्सी A8s में आपको बैक साइड में मतलब कोने में फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अब ये आता है उसके बाद कितना यूनिक लगता है, लोगों को कितना पसंद आता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ये आइडिया सही रहेगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगर बीच में देते ना तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे कोने में उतना कुछ खास लगा नहीं, बीच में काफ़ी अच्छा लगता देखने में भी, और ऐसे भी पूरा जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सुंदर लगता, लेकिन कोने में हालांकि वो भी अच्छा है लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये फ़ोन आएगा सैमसंग की तरफ से जनवरी 2019 में, तो अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है और जनवरी में आपको ये फ़ोन अनवील हो जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A8s में ये फाइनल हो गया है कि आपको कोने में जो कि इन्फिनिटी ओ है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सैमसंग 2019 में तो कमाल करेगा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिलेगा, और ये फ़ोन आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 के साथ। ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो सैमसंग सच में इस स्मार्टफोन के साथ कमाल करने वाला है। और आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोगों का ये डिज़ाइन कितना अच्छा लगा, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हालांकि डिज़ाइन अच्छा ही है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, एक यूनिक है। मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जो यू इन्फिनिटी है जो एक होल दिया गया है ओ टाइप का ओ इन्फिनिटी, तो उसको एटलीस्ट बीच में देते तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। और सबका सोचने का नज़रिया अपना है, आप लोगों को हो सकता है कि ये नोच काफ़ी पसंद आया होगा जो आपको कोने में एक ओ टाइप का इन्फिनिटी दिया है, लेकिन यही ओ टाइप का इन्फिनिटी आपको अगर मिडिल में देता, सेंटर में देता तो ज़्यादा बेहतर लगता। आप लोग भी इसके मेरे से सहमत होंगे अगर आप लोग ऐसा चाह रहे हैं तो। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सच में सैमसंग का ये स्मार्टफोन कमाल करेगा, एक नया लुक के साथ नया ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है 2019 में। जो भी है आपको चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर तो कर ही दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के पहुँच जाए। और अगर आप लोग नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।